कार्तिक, तुम लक्ष्मी को पसंद करते हो क्या? हाँ करता हूँ। कब से करते हो? हाँ, जब से उसने रंगोली बनाई तब से। रंगोली बनाते वक्त गुड, वेरी फनी। जब आप लोगों के मन में आएगा तो काम करोगे या तो नहीं करोगे। वॉट अ फेनोमिनल एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। अगर ये मैरिज इवेंट अच्छे से हुआ तो उसकी वजह से हमारी कंपनी को गुडविल अच्छी मिलेगी, ये मैं सोच रहा था। माइकल, यू शट अप। तुम्हारा काम क्या है? यहाँ बहुत सारी शादियां मीठी बातें करके मनाते हैं, ये सब सॉल्व करने वाली तुम कौन हो? वुमेन्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हो? आई कांट बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी सो स्टूपिड। माइकल, रिया ऊटी गई थी, ये वही लड़का है जानने के बाद, तब से ये इमोशनल हो गई। ऊटी में? हाउ डू यू गो टू ऊटी? फॉर व्हाट रीजन? व्हाई डिड यू गो टू ऊटी? बट अगेन, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, इजंट इट? एंड रिया, यू आर फायर्ड, दैट्स इट। Go. Just go. Michael. Michael, for what? You want to get fired too? Hey, Riya. Michael short temper है. थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा. ज़रूरत नहीं है. Please. I did not do anything wrong. और अब मैं इस job को continue नहीं कर सकती. I'm getting married. बाय ऑल। मेरी शादी में सबको आना होगा। रिया। आई एम सॉरी रिया, आई कुडंट हेल्प। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कार्तिक, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। टेल मी। अगले हफ्ते जेंसन मुझसे मिलने आ रहा है। आई हैव टू बाय सम ड्रेसेस। तुम शॉपिंग करने मेरे साथ चलोगे? व्हाट? मुझमें कौन सा कलर अच्छा लगता है ये तुम जानते हो। प्लीज। ओके। नए हो क्या? नहीं तो। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर के पास, वहीं रहता हूँ। तमिल हो?
इंडियन ओवर स्मार्ट। रेजिग्नेशन दे दो, ये बात मैं तुमसे कहना चाहता था। मैं वहां काम करती रहूं, आप यही चाहते हैं क्या पापा? देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। फ्राइडे के दिन जेनसन और उसके पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं। दोनों के बीच फॉर्मल मीटिंग हो जाए तो एंगेजमेंट फिक्स कर देंगे। नजदीक के रिलेटिव्स को बुलाने का निर्णय लिया है। ये एक स्मॉल फंक्शन, बट मैरिज शुड बी ग्रैंड। रीटा फोन उठाओ। हेलो दीदी। हाँ ऑफिस से फोन है, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। फोन किया तो पता चला सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है। पापा मुझे अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। क्या? चाहे जो हो जाए तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी शादी तय हो गई है, इस तरह बार बार घर से बाहर नहीं जाया करते। पापा आई वांट टू सी हिम। वो उसका कुलीग है, मिलकर आने दो ना इसे। लड़कियों को इन्हीं ने बिगाड़ रखा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो बेटी। कार्तिक, शर्लिन, यस 302। ओके। बेबी इधर देखो, ऐसा मत करो। हाय रिया। रॉनिक वेयर इज कार्तिक? ठीक है, उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है। मेरी स्कूटर स्लिप हो गई थी, बस इतनी सी बात है। कार्तिक तो पहले अपने घर गया, मेरे सर पे दो टाके लगे हैं ना। हे दिस इज रॉनिक माय फियांसी। हेलो। एंड दिस इज माय स्वीट लिटिल एंजल। एंड यू नो रिया, यू गेटिंग मैरिड सून। रिया तुम जैसा सोची थी वैसा कोई रिलेशनशिप मेरे और कार्तिक के बीच नहीं है। नाउ वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन गलत समझकर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हो, तो फिर मुझे वही डाउट आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो बट आई वॉज रॉन्ग। आप क्या कहते हो? या राइट। पापा आई वॉन्ट टू सी कार्तिक, आप मुझे कार्तिक के घर ले चलिए। इतने दिन मैं तुम्हारी बात मानता रहा, लेकिन अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सुनना होगा। तुम्हारी मैरिज होने वाली है, तुम्हें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये हमारा फैसला होगा। अरे छोड़ दो। संभल के बेटा, दादी की उंगली मत तोड़ देना। ये लीजिए माँ जी, तुम्हारे मामा आज भी फोन किए थे, वरलक्ष्मी पसंद है क्या, पूछ रहे थे। वो अभी छोटी है माँ, मामा से कहो कि उसे अच्छे से पढ़ाए लिखाए। तुम बस यही चाहती हो ना कि तुम्हें एक अच्छी सी बहू मिले। जा उसके बेटा। लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ। सही कहा ना दादी। दादी क्या बात है बेटा, तुम्हारी दादाजी के साथ कभी लड़ाई हुई थी? हम हमेशा लड़ते थे। और एक बार तो 3 दिन तक बात भी नहीं की हमने। फिर क्या, तुम्हारे दादा मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। क्यूट जो इतनी हो। चल हट। आपके प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? उस समय आई लव यू यू लव मी कुछ नहीं था। तुम्हारे दादा मुझसे बहुत छेड़खानी करते थे। बदमाश। रास्ते पे चलते वक्त हम एक दूसरे से रोज मिलते थे,
ऐसा क्यों? ये समझ कभी नहीं आया। एक दूसरे को बिना देखे रह ही नहीं पाते थे। हम एक जगह मिलते थे। एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या? समझ में नहीं आया? पागल हो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ए, कहाँ खो गया? ए कार्तिक, कहानी अभी बाकी है। हेलो हेलो रिया, आई वांट टू मीट यू टुमारो मॉर्निंग। अपने चर्च में। आओगी ना? हे रिया। हेलो। लॉन्ग टाइम। यू टू। टूरिज्म कोर्स खत्म हुआ? वो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ। टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इनका कोई कनेक्शन है क्या? व्हाट अबाउट यू? इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट तो इंजीनियरिंग? सेम पेज। या मुझे घर जाना है। बिना किसी को बताए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ कहना चाहता था। Now I am blank। जो कहना चाहते हो तुम कह क्यों नहीं देते? अंदर छिपा के क्यों रखते हो? कुछ बातें बिना बोले समझनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना मुझमें इतनी समझ नहीं है। एक बेटर लाइफ मिलने के बाद पुरानी बातें भूल गए ये आसानी से कह सकते हैं। What did you say? अब तो तुम मुझसे किनारा कर रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? मैं? नेवर। ऑफिस में मैं मॉडल्स को ग्रूम करते वक्त और चार्मी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त और तो और वरलक्ष्मी से बात करते समय भी और क्लियरली जेलस। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे अंदर ना चाइल्डिश ईगो है। क्या तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है? तुम शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। कार्तिक प्लीज, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। रिया, हम दोनों में छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मुझसे कहना चाहिए था ना? कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। आई वॉज इन शॉक। लेकिन तुम तो बहुत खुश थी ना, ऐसे में मैं कैसे बताता? नो, यू आर रॉन्ग। आई वॉज नेवर हैप्पी। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं? मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कार्तिक। हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आई एम श्योर। मेरी बात सुनो, तुम उसे बता दो कि हम अलग नहीं हो सकते। आई कैन रीच योर माइंड। नो नो कार्तिक। हम पहली बार यहां मिले थे और यहीं पे पता चला था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। अब अलग हो रहे हैं तो भी यहीं से। हमारी जिंदगी की खास बातें यहीं से हुई है।
रिया, मैंने जॉब छोड़ दिया है। उस ऑफिस में तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है तो मैं कैसे रह सकता था? Still waiting for you. Here we go, y'all. क्या हुआ? आ? बोट क्यों रोक दी? मैंने बोला था कार्तिक। तुम दोनों कुछ ऐसा ही करोगे, ये मैं पहले से जानता था। रिया, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा करोगी तो बहुत बड़ी गलती होगी। अमीना। हाँ साहब। बोट किनारे पे लो। पापा मैं तो। स्टॉप इट। कार्तिक के बारे में जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे कहा कि तुम उससे नफरत करती हो, तुम्हारे दिल में नहीं है। कार्तिक, तुम ऐसा करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड हूं, ये बात तुम कहते थकते नहीं थे कार्तिक। इसके आगे अब जो हम लोग फैसला करेंगे वही होगा। मेरे फिक्स किए हुए लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। नहीं अंकल, ये नहीं होगा। हमने पहले की तरह नहीं, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आज के बाद हम अलग नहीं होंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार की बात है, यही बात है ना कार्तिक? अभी तो आप इसे ले जाइए, लेकिन ये किसी और से शादी नहीं करेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है इस पर, I'm sure। अच्छी बात, एक पिता के मन की बात तुम नहीं समझ सकते। अंकल, हमारे अंदर सिर्फ ईगो भरा था अंकल। बस इससे आगे माँ बाप को धोखा देने की कोशिश मत करो।
मैथ्यूस, ये लो, ये इसके मैरिज एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पढ़ो। पढ़ो। देखो